अपनी सिस्टर की डेथ का बदला लेने के लिए उसके साइकोलॉजिस्ट के वाइफ और बेटी के साथ उसका ब्रदर संबंध रखता है। वो साइकोलॉजिस्ट को अपनी सिस्टर की डेथ के लिए दोषी मानता है। अब आगे क्या होगा ये आज के हमारी मूवी एवरी ब्रेथ यू टेक, ये 2021 की हॉलीवुड थ्रिलर मूवी हम जानेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज इसे लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। अब बिना किसी देरी के एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है और हम देखते हैं ग्रेस अपने बेटे के साथ घर पर जा रही थी। अचानक से एक गाड़ी ने इन्हें टकरा दिया। इस एक्सीडेंट में उसके बेटे की डेथ हो गई थी। अब मूवी में थोड़ा टाइम गुजर चुका है पर फिर भी ग्रेस अपनी बेटी की डेथ को भुला नहीं पाई है। उसके हस्बैंड का नाम है फिलिप जो एक साइकोलॉजिस्ट है। वो भी अब तक अपने बेटे की डेथ के बाद ग्रेस के साथ अच्छे से बात नहीं करता। एक्चुअल में ग्रेस उसकी सेकंड वाइफ है। उसकी फर्स्ट वाइफ से उसे एक बेटी है जिसका नाम है लूसी। लूसी को अभी अभी अपने ओल्ड स्कूल से निकाल दिया गया था क्योंकि उसने स्कूल में नशे किए थे। फिलिप उस पर बहुत गुस्सा था पर ग्रेस लूसी को बचा लेती है। इनकी फैमिली में आजकल एक दूसरे से कुछ भी बात नहीं करते। फिलिप की एक पेशेंट थी जिसका नाम था डैफनी। डैफनी पहले बहुत ही अब्यूसिव रिलेशनशिप में थी। उनके झगड़े होते थे, उसका बॉयफ्रेंड उसे मारा करता था। जब से वो फिलिप की पेशेंट बनी उसके बाद उसने अपनी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस लाए। अपने बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप कर लिया था। उसकी लाइफ अब फिर से ट्रैक पर आ रही थी और इसका पूरा क्रेडिट वो फिलिप को देती है। फिलिप आजकल बहुत ही डिस्टिंग रहता है तो ग्रेस उससे बात करती है, कहती है हम कहीं वैकेशन पर चल सकते हैं। अपनी रिलेशनशिप को वो फिर से सुधारना चाहती थी पर फिलिप का इस बात पर कुछ भी ध्यान नहीं था। ग्रेस भी गुस्से में यहाँ से चली गई। फिलिप की एक कॉन्फ्रेंस थी जहां पर अपनी पेशेंट डैफनी के बारे में वो बात कर रहा था। वो कहता है कि जब वो मेरी पेशेंट बनी तो मुझसे वो कुछ भी बात नहीं करती थी पर मैंने फिर अपनी लाइफ के बारे में उसे बहुत सारी चीज़ें बताना स्टार्ट कर दिया। ऐसी पर्सनल चीज़ें जो मैं मेरी वाइफ को भी नहीं बता सकता। इसके बाद उसे लगा कि हम दोनों कनेक्ट हो सकते हैं। इस वजह से उसने अपनी सारी तकलीफ मुझे बताना स्टार्ट कर दिया। इस वजह से उसकी रिकवरी बहुत ही फास्ट हुई। 3 मंथ्स में ही उसने अपनी लाइफ चेंज कर दिया। अपनी लाइफ के बारे में अब वो एक बुक भी लिख रही है। इस कॉन्फ्रेंस में फिलिप की फ्रेंड और बॉस वेनेसा भी थी। वेनेसा फिलिप से कहती है तुमने ये जो नई टेक्निक यूज की ये शायद गलत भी हो सकती है, तुम्हें इसे लेकर केयरफुल रहना चाहिए। यहाँ से घर आते वक्त फिलिप को डैफनी का कॉल आया। बहुत डिस्टर्ब थी क्योंकि उसके फ्रेंड की डेथ हो चुकी है। फिलिप को पता था कि डैफनी को सुसाइडल थॉट्स आते। उसने कहा कल आकर मुझसे बात करना, अगर तुम चाहो तो अब भी हम बात कर सकते हैं। डैफनी ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, मैं पहले जैसे अब नहीं रही। रात में फिलिप जब अपने फ्रेंड्स के साथ था तभी उसके घर पर पुलिस आए। डैफनी ने बिल्डिंग से कूदकर खुदकुशी की थी। फिलिप को यह देखकर बहुत ही बुरा लगता है। अचानक से इस क्राइम सीन पर डैफनी का ब्रदर जेम्स पहुंच जाता है। वो भी डिस्टर्ब हो गया। जब उसका गुस्सा शांत हुआ तो फिलिप उसके पास जाता है। अपने आप को उसने इंट्रोड्यूस कराया। जेम्स कहता है कि हमारी फैमिली के साथ इस तरीके से बहुत बुरी चीजें होती है, जैसे कोई कर्स हो। अब इस सिचुएशन में हम दोनों स्ट्रेंजर एक साथ है। ये बात कहने में तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रेंज थी। फिलिप फिगर आउट नहीं कर पाता कि डैफनी ने ऐसा क्यों किया। वो आजकल तो सब कुछ चीजें बहुत ही अच्छे से मैनेज कर रही थी। अगले दिन जेम्स फिलिप के घर पर पहुंच जाता है। वो कहता है कि तुम्हारी एक बुक डैफनी के पास थी, यही मैं वापस करने के लिए आया। जेम्स ने यहाँ पर ग्रेस से भी बात की। वो अब डैफनी का हाउस सेल करने वाला था और ग्रेस एक रियल एस्टेट एजेंट है। ग्रेस ने फिर उसे डिनर के लिए इन्वाइट किया। ये अलग अलग टॉपिक्स पर बात करते हैं। जेम्स ने अपने बारे में बताते हुए कहा कि मैं भी एक बुक लिख रहा हूँ, ऑलरेडी एक बुक उसकी पब्लिश्ड है। फिलिप की बेटी लूसी देखकर इम्प्रेस थी, उसे भी राइटर बनना था। जेम्स उसे बहुत अच्छा लगा था। बाद में जाते वक्त जेम्स फिलिप से कहता है कि तुम्हारी फैमिली बहुत ही अच्छी है, कभी भी इसे हाथ से जाने मत देना। फिलिप को जेम्स बहुत ही अजीब लगता है तो उसके बारे में इन्फॉर्मेशन निकलवाने के लिए उसने उसकी बुक को सर्च किया। वो ऑनलाइन मिल नहीं रही थी तो उसका एक फ्रेंड जो एक पब्लिशर था उसके पास जाकर इस बुक को डिमांड करता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि लूसी अपने न्यू स्कूल से जब घर आ रही थी तो एक लेक के पास आती है। वहां पर वो जेम्स से मिली। जेम्स उसे कॉफी के लिए पूछता है, उसने भी हाँ कहा। जेम्स ने कहा कि मैं सरप्राइज था कि तुम इस तरीके से अकेले लेक पर थी, मुझे लगा था कि तुम्हारे बहुत सारे फ्रेंड्स होंगे। लूसी ने लास्ट स्कूल में जो भी किया था ये सब बातें उसने जेम्स को बताया। इस पर जेम्स बहुत हंसता है। इन दोनों में अच्छी बॉन्डिंग हो रही थी। घर जाते हुए जेम्स ने कहा क्या हम दोनों फ्रेंड्स बन सकते हैं। लूसी को भी अच्छा लगा था तो इसके लिए वो मान जाती है। आज फिलिप के फ्रेंड वेनेसा ने अपने ऑफिस में उसे बुलाया। वो कहती है तुम्हारे खिलाफ एक कंप्लेंट है। एक अनोनमस कंप्लेंट थी। किसी को लगता है कि फिलिप की अजीब से टेक्निक की वजह से डैफनी ने सुसाइड कर ली। अब उस पर इंक्वायरी होने वाली है। वेनेसा फिलिप से अलग अलग क्वेश्चंस पूछती है। फिलिप इस पर गुस्सा हो गया था। वो कभी भी डैफनी हर्ट हो इस तरीके से उसे ट्रीट नहीं कर सकता था।
रात में घर आने पर फिलिप ग्रेस से कहता है, तुम जेम्स का हाउस अब सेल करने वाली हो, प्लीज वो सेल मत करना, उसे कोई भी रिलेशनशिप मत रखो। ग्रेस कहती कि उसे हाउस तो सेल करना ही था, तो मैं ही उसका सेल कर देती हूँ, इसमें कुछ भी उसे गलत नहीं लगता। अगले दिन वो जेम्स से मिलने के लिए गई। वो जेम्स के साथ जो भी हुआ इसके लिए सॉरी कहती है। जेम्स ने कहा कि मुझे पता है तुम सब कुछ समझ सकती हो, तुम्हारे बेटे के जाने के बाद तुम और तुम्हारे हस्बैंड ने सब कुछ चीज़ें बहुत ही सही से मेंटेन की है। ये सब सुनकर ग्रेस रोने लगती है, कहती है एक्चुअल में हमने कभी भी इसके बारे में बात नहीं की, मैं और मेरा बेटा घर आ रहे थे, सब कुछ बहुत ही नॉर्मल था और अचानक से ये सब हो गया। ग्रेस उसके पास आकर उसे सहारा देता है। ये मोमेंट एक दूसरे के साथ गुजारने के बाद ग्रेस घर पर आती है। लूसी घर के बाहर जा रही थी तो फिलिप उसे क्वेश्चन पूछने लगता है, पर लूसी इरिटेट होकर वहां से निकल गई। हम देखते हैं कि वो जेम्स के साथ ही थी। जेम्स उसे रिवर के पास एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी जगह पर लेकर आया। लूसी को बहुत ही अच्छा लगा था। वो पूछती है क्या मेरी फैमिली में तुम्हें कुछ अजीब लगता है, हम सब में हमेशा कुछ ना कुछ तो टेंशन होता है। मेरे ब्रदर के गुजर जाने के बाद फिलिप और ग्रेस ये दोनों मुझसे बहुत ही दूर चले गए। जेम्स कहता है कि मैं समझ सकता हूँ, इसी वजह से अपने फादर का अटेंशन पाने के लिए तुम जानबूझकर ट्रबल में आ जाती हो। लूसी को लगता है कि जेम्स उसे बहुत ही अच्छी तरीके से समझता है। ये दोनों करीब आ गए और एक दूसरे को किस करते हैं। आज रात ग्रेस जेम्स के बारे में सोच रही थी। फिलिप ग्रेस के पास आया, कहता है प्लीज जेम्स का हाउस तुम सेल मत करना। ग्रेस इस बात पर गुस्सा हो गई, वो उसकी बात मानने नहीं वाली। अगले दिन फिर फिलिप जेम्स के पास ही पहुंच गया। वो कहता है कि प्लीज मेरी वाइफ को फायर कर दो। जेम्स ने कहा कि ठीक है, वैसे भी अब मैं हाउस सेल नहीं करने वाला था। जाने से पहले वो फिलिप से कहता है कि कभी कभी आप कुछ अच्छा करने की कोशिश करो, पर उसके लिए आपको खुद को ब्लेम उठाना पड़ता है, लोग आपको इस वजह से हर्ट कर देते हैं। अब ये सब बात सुनने के बाद फिलिप को लग रहा था कि उसकी कंप्लेन करने वाला जेम्स ही था। इसके बारे में वो वेनेसा से बात करता है। वेनेसा कहती है कि अगर जेम्स साइकोटिक है तो डायरेक्टली तुम पर वो घाव करता, इस तरीके से अलग अलग वेज से तुम्हें हर्ट करने की कोशिश नहीं करता। फिलिप को अब तक इसके बारे में आइडिया नहीं था, पर जेम्स एग्जैक्टली वही कर रहा था। फिलिप की बेटी लूसी के साथ रिलेशनशिप रख कर उसे वो हर्ट कर सकता है। आज रात भी जेम्स और लूसी एक जगह पर पार्टी पर गए थे। यहाँ पर फिलिप के फ्रेंड भी आ जाते। लूसी डर गई और जेम्स को लेकर बाहर चली गई। लूसी ने जेम्स से कहा कि हाउस सेल करने के बाद तुम क्या करोगे, शायद इस कंट्री से चले जाओगे। जेम्स कहता है कि हाँ। लूसी ने कहा प्लीज मुझे भी तुम्हारे साथ लेकर चलो। जेम्स थोड़ा सा सोचकर इस पर हाँ कहता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि फिलिप ने रियलाइज किया था कि ग्रेस उससे गुस्सा है। वो उसे कहता है कि जिस वैकेशन के बारे में तुम बात कर रही थी वहां पर हम चल सकते हैं। ग्रेस उसे कहती है कि इस तरीके से कभी भी तुम्हारा अच्छा मूड हो तुम उसे सही से बात कर रहे हो, ये सब चीजें नहीं चलेगी। फिलिप को ग्रेस को हमेशा अच्छी तरीके से ट्रीट करना पड़ेगा। ग्रेस को लगता है कि सिर्फ जेम्स ही उसे समझ पाता है, तो अगले दिन उसके पास हो चली गई। फिलिप को भी ग्रेस पर शक आ रहा था तो उसने उसका पीछा किया। ग्रेस जब जेम्स के पास आती है कहती है कल के बारे में भूल नहीं पा रही। ये दोनों करीब आ गए और एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो जाते हैं। ये सारी चीजें फिलिप देख रहा था। घर आने के बाद ग्रेस को बहुत ही ज्यादा गिल्टी लगा। फिलिप की बॉस वैनेसा उसे फिर से बुलाती है, कहती है तुम्हारे खिलाफ अब एक्शन होने वाला है, अगर बोर्ड को लगा कि तुम गिल्टी हो तो तुम्हारा लाइसेंस जा सकता है। डैफनी की डेथ के बाद फिलिप के पास कोई भी पेशेंट भी आ नहीं रहे थे। आज रात लूसी और जेम्स ये दोनों फिर से मिले। ये दोनों डिसाइड करते हैं कि कहाँ जाएंगे। जेम्स जब बियर लेने के लिए गया था तो उसके मोबाइल पर ग्रेस का कॉल आता है। ये लूसी ने देख लिया। उसे लगता है कि इन दोनों में कुछ चक्कर चल रहा है, तो उस पर वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया। जेम्स उसे मनाने की कोशिश करता है और कहता है कि मैं हाउस सेल करने वाला था, इसी वजह से ग्रेस ने अब मुझे कॉन्टेक्ट किया है, हम दोनों के बीच में कुछ भी नहीं है, अब घर जाओ और अपनी बैग पैक करो, मैं तुम्हें लेने के लिए आऊंगा। लूसी भी जेम्स की सारी बातें मान लेती है। ग्रेस ने आज जो भी किया इस वजह से वो पूरी दिन बहुत ही डिस्टर्ब थी। रात में वो फिलिप से बात करती है, कहती है मुझे तुम्हें कुछ कहना है। फिलिप कहता है कि कुछ भी मत कहो, हमारी बेटे की डेथ के बाद मुझे अपने आप को संभालना था, इस वजह से मैंने एक कोपिंग मैकेनिज्म डेवलप कर लिया। सारी चीजों के लिए मैंने तुम्हें ही ब्लेम किया था, जो भी हुआ इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं थी, मुझे इस तरीके से तुमसे दूर नहीं जाना चाहिए था, तुम्हें सपोर्ट करना चाहिए था। आज जो भी हुआ यह सब मेरी ही गलती है, मेरी ही वजह से तुम जेम्स के पास गई थी। फिलिप ने ग्रेस को ऑलरेडी माफ कर दिया था। इन दोनों ने अपनी गलती रियलाइज कर एक दूसरे को माफ कर दिया है। लूसी अब जाने के लिए रेडी थी, पर जेम्स उसे रात में लेने के लिए आया ही नहीं। उसे बहुत बार कॉल कर दिया। वो इस सब बातों से बहुत ही हार्ट ब्रोकन हो गई थी।
आज टाउन में जाते हुए ग्रेस की गाड़ी बंद पड़ गई। जेम्स भी वहां से गुजर रहा था तो उसे लिफ्ट देता है। ग्रेस का घर का टर्न आया पर जेम्स आगे चला गया। वो उसे पूछती कि तुम मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो। जेम्स उसे हर्ट कर सकता था। तभी ग्रेस को फिलिप का कॉल आया। ये कॉल ऑन रखकर ग्रेस जेम्स से कहती कि प्लीज मुझे गाड़ी से नीचे उतार दो। ग्रेस ने फिगर आउट किया और फिलिप से वो बात करता है। कहता है तुमने मुझे बहुत हर्ट किया है। अपनी लोकेशन उसने फिलिप को बता दी। फिलिप भी जल्दी से वहां पर पहुंच गया। जेम्स ने गाड़ी को ब्रेक लगाकर ग्रेस को बेहोश कर दिया था। वो देखता है कि आगे से गाड़ी आने वाली है। इस गाड़ी से टकराकर वो ग्रेस और अपने आप को मार देने वाला था, पर तभी लास्ट मोमेंट पर उसने गाड़ी को कंट्रोल कर लिया। फिलिप जल्दी से ग्रेस को गाड़ी से बाहर निकलता है, पर जेम्स वहां से भाग गया। इस सारी चीजों के बारे में फिलिप ने पुलिस से बात की, पर जेम्स ने कुछ भी इलीगल नहीं किया। उसके खिलाफ कोई भी प्रूफ नहीं था कि एक्चुअल में उसने ऐसा कुछ भी किया है, तो इस वजह से पुलिस उसके खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं लेते। ये सब डेंजर में थे, तो फिलिप लूसी के पास गया। उसे कहता है कि प्लीज कहीं भी बाहर मत जाना। ग्रेस ने भी लूसी को समझाने की कोशिश की कि जेम्स बहुत ही खतरनाक है, उससे कोई भी रिलेशन मत रखना। इन दोनों पर बहुत ज्यादा गुस्सा हो गई थी, इनसे वो कुछ भी बात नहीं करना चाहती। फिलिप ने लूसी को भी इग्नोर किया था, इस बात का उसे बहुत ही बुरा लगता है। ग्रेस उसे सहारा देती है, कहती है सब कुछ ठीक हो जाएगा, वो भी तुम्हें समझ लेगी। फिलिप ने कहा कि आप अगर किसी से प्यार करते हो तो प्यार आपको जताना चाहिए, वरना बहुत ही लेट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में जेम्स को कॉल आया जो एक मेंटल हॉस्पिटल से था। जेम्स ने खुद को एडमिट कर लिया था और वो सिर्फ फिलिप से ही बात करना चाहता है। फिलिप जब वहां पर पहुंचा तो जेम्स कहता है कि मुझे कन्फेस करना है, मुझे लगता है कि डैफनी का मर्डर हुआ है, उसके बॉयफ्रेंड ने यह सब किया होगा। डैफनी जो बुक लिख रही थी, तुम उसे अपने बारे में जो भी चीजें बताते थे, ये सारी चीजें उसने लिखी हुई थी, इसी वजह से मैं तुम्हारी वाइफ और तुम्हारी बेटी के करीब आ गया था। फिलिप इस पर बहुत गुस्सा हुआ। जेम्स जाते जाते कहता है मेरे दिमाग में मुझे आवाजें सुनाई देती है। वो पूरी तरीके से पागल था। रात में फिलिप के घर पर जेम्स का फिर से कॉल आया। वो कहता है कि मुझे लगता है कि अब मैं ठीक हो चुका हूँ, पर फिर भी मेरे हेड में वो वॉइसेस मुझे आ रहे हैं जो बता रहे हैं कि मुझे तुम्हें हर्ट करना है। जेम्स मेंटल हॉस्पिटल में ही था और वहां से वो निकल नहीं सकता था। फिलिप इस सारी बातों को पीछे छोड़ना चाहता था, तो एक दिन अपने फ्रेंड्स के साथ डिनर पर आया। ये उसका वही पब्लिशर फ्रेंड था जिससे उसने जेम्स की बुक की कॉपी मांगी थी। अब उसके फ्रेंड ने कॉपी उसे दे दी। इसके पीछे जब फिलिप ने देखा तो यह किसी और का ही फोटो था। फिलिप समझ गया कि जेम्स डैफनी का ब्रदर नहीं था, तो एक्चुअल में उसका एक्स बॉयफ्रेंड है। ब्रदर का ढोंग लेकर वो यहाँ पर आया हुआ था। डैफनी ने अपने बुक में सब कुछ लिखा था, ये सब जेम्स ने पढ़ा। उसे लगा कि फिलिप की वजह से डैफनी ने उसे ब्रेकअप कर लिया। जेम्स चाहता था कि डैफनी फिर से उसके पास वापस आ जाए, इस वजह से डैफनी के फ्रेंड को भी उसने मार दिया, पर फिर भी डैफनी उसके साथ आने के लिए रेडी नहीं थी। फाइनली गुस्से में उसने डैफनी को मार डाला था। अब सारी चीजों के लिए फिलिप को ही दोषी मानता था, इसी वजह से उसे हर्ट करना चाहता था। सब रियलाइज करने के बाद फिलिप जल्दी से मेंटल हॉस्पिटल में कॉल लगाता है। वहां के डॉक्टर से कहता है कि जेम्स बहुत ही ज्यादा डेंजरस है, उस पर आप कड़ी नजर रखना। डॉक्टर जब जेम्स को देखने के लिए गया तो वहां के एक एम्प्लॉय को मारकर जेम्स वहां से भाग गया था। फिलिप जल्दी से लूसी को कॉल करता है, कहता है कुछ भी हो जाए घर से बाहर मत निकलना। जेम्स ऑलरेडी वहां पर पहुंच चुका था। लूसी भी उसके प्यार में थी, तो जेम्स ने जब कहा कि चलो हम जल्दी से यहाँ से निकल जाते, तो लूसी भी उसके साथ आने के लिए रेडी थी। थोड़ी देर में वो रियलाइज करती है कि जेम्स बहुत ही वियर्ड लग रहा है। वो अपना माइंड चेंज कर लेती है, पर जेम्स वायलेंट होने लग गया था, वो उसे मार रहा था। तभी फिलिप जेम्स पर हमला कर लूसी को बचा लेता है। जेम्स फिलिप पर भी भारी पड़ गया, वो उसे गला घोट कर मार ही डालता। तभी ग्रेस ने एक बड़ी सी चीज लेकर उसके सर पर मारी, इससे ब्लीड होकर उसकी डेथ हो गई। इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। मैं बहुत सारे मूवीज लेकर आता रहता हूँ, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकॉन दबाने मत भूलिएगा। हम फिर से मिलेंगे और एक मूवी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू और आप अपने आप का ख्याल रखिएगा।